आज की वीडियो की बात ऐसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड हो गया। तो कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ अच्छा रेस्टोरेंट रिव्यू करो, अच्छे लग्जरी प्लेस रिव्यू करो। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बुफे ट्राई करने एट बारबेक्यू सेंट्रल गोरेगांव। वेलकम बैक गाइस टू सिंग्स ऑफ फूड्स। मैं जसप्रीत सिंह अलॉन्ग साइड, और मैं कमलदीप सिंह। ये हाईलाइट है कि ये बजट में आपको सब कुछ दे रहा है जो अच्छा कॉस्टली बुफे आपको मिलेगा। ट्राई करेंगे वेज एंड नॉन वेज बुफे। मैं वेज ट्राई करूँगा और ये नॉन वेज ट्राई करेंगे। आप लोग को बताएंगे यहाँ का एक्सपीरियंस, और देखते रहिए पूरा वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बुफे हमारा चार्ट काउंटर से। सो गाइस, मुझे बहुत सारी सिटीज़ का फूड एक्सप्लोर करना है, एंड आई नो हमारे वीडियोस की एवरेज ही बहुत कम रहती है, बस हर बार हम लोग कुछ नया कुछ न्यू लाने की ट्राई करते हैं। सो आज आप लोग के साथ एक ऐप शेयर करना है। इसमें 30 सेकंड्स लगते हैं इन्वेस्ट करने में, और थोड़ा टाइम लगता है बेट प्लान करने में, और इससे आप अर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। ज़्यादा कमाई के लिए आज $150 से स्टार्ट करते हैं, और ग्राफ तो आज बहुत नीचे जा रहे हैं। देखा आपने कितना क्विकली फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट प्राइस, डेफिनेटली नीचे जाएगा, और बस 30 सेकंड्स और एंड देन सब सॉर्टेड। तो ये ट्रेंड तो पूरा रिवर्स हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेंड, पहले वाले ट्रेंड से अगर स्मॉल स्विंग करे देन अपना पैसा सेफ है। ओ वी डिड इट, $120 मिले हैं मुझे इस इन्वेस्टमेंट से। अब शायद जितना स्पेंड किया उतना कवर हो गया है, और ये पैसा विड्रॉ करके किधर और स्पेंड किए जाए। सो थैंक्स टू विनोमो आई हैव टू वरी लेस अबाउट मनी नाउ। तो आज से आप भी अभी कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक बार जरूर चेक करना। बट वन थिंग, डाउनलोड एंड ट्रेड एंड इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। सिंग्स ऑफ इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और प्रॉफिट मेड थ्रू दिस ऐप। चाट काउंटर पे सेफ पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, ये सब आइटम्स अवेलेबल थी। चाट काउंटर से वी ट्राइड पानी पूरी। पानी पूरी में 3 फ्लेवर ऑप्शंस अवेलेबल थे, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर। सो दिस इज माय चॉकलेट फ्लेवर पानी पूरी, एंड कमल की आ गई है ये मैंगो फ्लेवर, जिसको देख के आप लग रहा होगा मैंगो फ्लेवर है ये। सो दिस इज मिस्टर अली, अ वेरी हेल्पफुल गाय फ्रॉम बारबेक्यू सेंट्रल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लाइक तवा वेज काउंटर एंड वेज ग्रिल काउंटर, ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बुफे। एंड व्हाट्स दैट, वी हैव प्रॉन्स चिकन कीमा एंड only chicken keema, okay, also we have pasta counter is there, we have red sauce and white sauce, okay. Pasta counter on top yours? Yes sir, penne pasta. Penne pasta? Yes, white sauce, penne sauce, red sauce, Alfredo Arabica and pink sauce. So ye ban raha hai apna pasta. So ye ban gaya hamara pasta. Main itna bada pasta fan nahi hu, but try to karenge. फाइनली यहाँ का पास्ता ट्राई करने के बाद एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि येस, द पास्ता वॉज टेस्टी। इट वॉज मोर देन टेस्टी देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं पास्ता का इतना बड़ा फैन, मैं या कमल पास्ता के इतने बड़े फैन नहीं थे, बट वी एन्जॉयड, वी लाइक दिस पास्ता, इट वॉज रियली वेरी टेस्टी। जैसा कि आपको बताया, हम दोनों पास्ता के इतने बड़े फैन नहीं हैं, इसके लिए हमने एक ही प्लेट लिया अल्फ्रेडो पास्ता का, बट दिस वॉज टेस्टी। आई थिंक यहाँ पे पास्ता खाने के बाद मैं तो पास्ता का फैन डेफिनेटली हो गया हूँ। इट वॉज वेरी क्रीमी एंड नाइसली मेड अल्फ्रेडो पास्ता। आपको यहाँ का पास्ता दिखा दिया, अब ये सीधा जंप करते हैं यहाँ के स्टार्टर्स पे। जो फर्स्ट वेजिटेरियन स्टार्टर इन्होंने सर्व किया, और वो है कैजुअल स्पाइस पोटैटो वेज। ओके, स्मॉल पोटैटोस को अच्छे से कुक करके ऊपर से क्रीमी सॉस एंड विथ सम स्पाइसेस, विच वॉज अगेन वेरी टेस्टी। सो हमने यहाँ पे और भी स्टार्टर्स ट्राई किए, बट उन सब में से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। बेशक ये आलू है, बट दिस वॉज वेरी टेस्टी। दिस इज सेकेंड डिश इन वेजिटेरियन स्टार्टर्स, स्वीट कॉर्न को फ्राई करके मसालास ऐड करके दिए हैं इसमें, एंड नाइस। जिसका वेट था, आ गया हमारा पर्सनल तंदूर। दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस, जिस पर हम ग्रिल करेंगे अपने डिशेस। सो तंदूर ग्रिल की स्टार्ट होती है नॉनवेज स्टार्टर से, चिकन टिक्का सर्व्ड एंड फिश टिक्का सर्व्ड। सो ये जो आप फ्रेम में देख रहे हो, ये पनीर अफगानी, अचारी मशरूम एंड पनीर एंड पाइनएप्पल रोस्टेड, ये चीज़ें सर्व हो चुकी है हमें वेज में। एंड मैरिनेटेड पोटैटो एज वेल, विच इज़ ग्रीन इन कलर। ये खाली पनीर है जो अभी ग्रिल करना बाकी है। खुद ग्रिल करके खाने का अलग ही लेवल का मजा है, जो आप लाइफ एक्सपीरियंस करके ही समझोगे।
No doubt the paneer was soft and juicy like it should be. Malai paneer hai bhai. तो उसके अलावा नॉनवेज स्टार्टर्स में प्रॉन्स चिली प्लस मटन पुदीना सीख भी दे सर्व्ड फॉर कमल. वेरी नाइस, थैंक यू सर. सो नाउ अगेन बैक टू मिस्टर अली जो हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे. देखिए टाइप सैलेड काउंटर, दही वाला रायता, ग्रीन सैलेड, चिकन रोस्टेड सैलेड एंड दिस इज अ वेज सूप, वेज मैक्सिकन सूप. ओके, ये नॉन वेज काउंटर है, हॉट एंड सॉ चिकन सूप है. ये अपना मेन कोर्स है, मुगलाई है, मल्टी क्यूजन है अपने पास. मुगलाई अंडा मसाला है, बाल्टी मुर्ग है, ये आपका फिश कड़ी आएगा, ये मटन है और ये अपना हैदराबादी बावर्ची बिरयानी. अभी चलते हैं वेज मेन कोर्स की तरफ. दाल तड़का एंड प्लेन राइस. लेफ्ट साइड पे है पनीर हांडी एंड राइट साइड पे नरगिसी कोफ्ता. दिस इज सब्जी दीवानी हांडी विच वॉज लाइक मिक्स वेजिटेबल्स एंड ऑन द राइट साइड इज दम आलू पंजाबी. और ये तो आप देख के समझ गए हो, वेज मंचूरियन एंड फ्राइड राइस. दिस इज सब्जी दम बिरयानी. अभी ये एंड नहीं हुआ, आइसक्रीम प्लस डिसर्ट्स अभी बाकी है और आइसक्रीम भी ऐसी जो हम खुद बनाएंगे. जैसा कि आपको बताया था, अलग लेवल का मज़ा है आइसक्रीम बनाने में. यहाँ पे आपको खुद चांस मिलता है आइसक्रीम रोल्स बनाने का, जिसे हम मार्केट में आइसक्रीम रोल्स बोलते हैं, यहाँ पे उसे आइसक्रीम सिगास बोला गया है. ये किड्स के लिए और एडल्ट्स के लिए बहुत ही अलग लेवल का फन एंड एंटरटेनिंग एंड हाइलाइटिंग पार्ट है. यहाँ पे आप खुद बना सकते हैं अपनी आइसक्रीम. यहाँ पे जब भी हम कोई ऐसी शॉप विजिट करते हैं जहाँ पे आइसक्रीम मिलता हो, आपका या मेरा भी कभी मन किया होगा कि ऐसी आइसक्रीम बनाएं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल है. आइसक्रीम रोल्स खुद बना सकते हैं आप अपने विश की, अपने फ्लेवर की. ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड करो, टॉपिंग्स ऐड करो, चॉकलेट सिरप ऐड करो, जो भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो. और एक एक्सपीरियंस मिलता है आइसक्रीम बनाने का, वो बहुत बेस्ट पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे. कि साथ में मालपुआ एंड जलेबी अवेलेबल है, वो भी आप खुद बना सकते हैं. बट मेन थिंग आइसक्रीम बनाने का जो मज़ा है ना, और जो कमल ने आइसक्रीम बनाई वो परफेक्ट ही परफेक्ट रोल्स बने उसमें. अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो सेल्फ आइसक्रीम मेकिंग का मज़ा ज़रूर लें, जो एक बेस्ट पार्ट है यहाँ. शायद एक दो बार और ट्राई करता तो परफेक्शन के साथ आइसक्रीम बना पाता, बट फर्स्ट टाइम ऐसी आइसक्रीम बनाई है मैंने और उसके हिसाब से आई डोंट थिंक ज़्यादा ख़राब है. एक्सेप्ट आइसक्रीम रोल्स, यहाँ पे और भी अलग आइसक्रीम्स है. ब्लैक करंट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और ये वनीला. हियर यू कैन सी गुलाब जामुन एंड मूंग दाल का हलवा. बुफे इज इनकम्प्लीट विदाउट डिजर्ट्स. सबके फेवरेट होते ही हैं डिजर्ट्स, मेरे भी बहुत फेवरेट है डिजर्ट्स एंड स्वीट्स, जिसके बिना बुफे इज इनकम्प्लीट. डिजर्ट्स की बात की जाए तो जो नॉर्मल बुफे में डिजर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे थे, मूस, ब्राउनीज, फिरनी, गुलाब जामुन, एवरीथिंग वॉज नाइस. फेवरेट बहुत लोग को पता होगा कि गुलाब जामुन है. इन डिजर्ट्स हमने सब कुछ ट्राई किया. वसूल है भाई, फुल वसूल है. ऑसम सर्विस बाय होल स्टाफ, थैंक यू सो मच. और इनके मैनेजर साहब तो बहुत अच्छे हैं, मेन अली भाई एंड यहाँ के मैनेजर एंड यहाँ का पूरा स्टाफ को बिग अप्स है. सब लोग वीडियोस देखते हैं हमारे, इतने व्यूज आ रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार. सब्सक्राइब भी कर दो, क्यों देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब दबा दो यार. बात करते हैं अभी ऑफर की. आपको ऑफर बताया था हमने, अगर आप लंच बुफे ट्राई कर रहे हैं तो 999 में एक पैक फ्री मिलेगा आपको, मतलब 999 में दो लोग का बुफे आपको मिलेगा प्लस 70 रुपीज़ कैशबैक इन योर पेटीएम पेटीएम वॉलेट. कोड अप्लाई होगा 875 कोड है, वो अप्लाई कर देना. अगर आपको नहीं समझा कैसा बुक करना है, क्या बुक करना है, तो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पे पूरा मेंशन किया है, विजिट करो, लिंक दी है और अवेल करो यहाँ का ऑफर. और डिनर अगर आप आ रही हैं तो 650 रुपीज़ का है प्लस 70 रुपीज़ कैशबैक इन योर पेटीएम 75 रुपीज़. द सर्विस आर वेरी गुड. जब तक ऑफर लास्ट है तब तक आप विजिट कर सकते हैं, मज़े ले लो. थैंक यू.